हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आए हैं यह 20वां प्रैक्टिस सेट आज लेके आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। और यह बुक जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो है वॉल्यूम 2 बुक अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का 20वां टेस्ट सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्रम में देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डीएनए के संश्लेषण को कहा जाता है, यानी कि डीएनए के संश्लेषण को क्या कहा जाता है। तो देखिए डीएनए के संश्लेषण को जो है द्विगुणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुणन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो। देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दो में कि ये देखिए यहाँ पे सोडियम Na का पावर 22 है, उसके बाद 11 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है। 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है वह कौन सा है। सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, दो प्रतिरोधकों 12 ओम और 24 ओम को समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 22 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 24 ओम वाले प्रतिरोधक में कितनी धारा यानी कि करंट होगी, कितनी जो है इसमें करंट होगी। तो देखिए इसमें जो करंट होगी वो हो जाएगा यहाँ पे 2/15 एम्पियर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2/15 एम्पियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे चार। देखिए क्वेश्चन नंबर चार जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 50 kg भार का एक लड़का एक 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है, लड़के द्वारा चढ़ाई में विकसित शक्ति क्या होगी। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 50 वाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 वाट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए यहाँ पर कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापन में योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें जो है वह वैश्विक तापन में योगदान देती है। तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में यहाँ पे कह रहा है कि एंटोनेम ऑफ हारमोनी वर्ड जो दिया हुआ है, इसका एंटोनेम वर्ड चूज करने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हारमोनी जो होता है, हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य। क्या होता है हारमोनी का मतलब? सामंजस्य होता है। ठीक है, सामंजस्य होता है। जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है डिसएग्रीमेंट का जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है असहमति। क्या होता है? असहमति हो जाता है, असहमति। ठीक है, तो देखिए इसका एंटोनियम जो है क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेवन नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है यहाँ पे चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए दिया हुआ सेंटेंस यहाँ पे, ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो देखिए इसका जो यहाँ पे करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है यहाँ पे, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, एट नंबर। देखिए एट नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया, कह रहा है इसमें चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। सेंटेंस दिया हुआ है द पुअर ब्लैंक है ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। द पुअर आर ऑनेस्ट ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, नाइन नंबर, क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है चूज द करेक्ट वॉइस। चूज द करेक्ट वॉइस सेंटेंस है ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। क्या कह रहा है? ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। और इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस जो है उस फॉर्म में लाना है। तो उस फॉर्म में जब पैसिव वॉइस के फॉर्म में लाएंगे तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाई ट्रीज। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो जाएगा? पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है। प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो यह हो जाएगा यहाँ पे जीर्ण जनपद में। किस में है? जीर्ण जनपद में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है यहाँ पे कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है इसमें? संप्रदान कारक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन जो है देख लेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें, कह रहा है यहाँ पे कि आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, बहुत जो है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें दिया हुआ है कि तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो है यमक अलंकार है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है। सेंटेंस दिया हुआ है यू मस्ट अपोलोजाइज, उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है और उसके बाद हिम है। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है चूज द क्वेश्चन टैग, चूज द क्वेश्चन टैग। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है लेट अस गो, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सेल वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है तिमिर का पर्यायवाची बताएं, तिमिर का पर्यायवाची, तो देखिए तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना है, बेंजीन अणु की सही संरचना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6, क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 जो है दोनों, 2 में है जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है और 3 में है जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 2 और 3, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 19 नंबर, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि एक सीधे धारावाही चालक के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य है, इनमें से कौन से कथन सत्य है। तो इनमें जो कथन सत्य है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है 1 और 3 दोनों, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएँ केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है और 3 में है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएँ हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो यहाँ पर दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड विलयन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट विलयन और जल उत्पन्न करता है। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो देखिए कथन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कथन जो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और कथन 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो सही आंसर जो है इसका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है, दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि रो प्रतिरोधकता एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले धातु की एक तार जिसमें से टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है के विभवांतर वी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए इसका जो सही सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इसमें 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर पी है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए, जो इसका तो इसका जो टेम्परेचर चाहिए वो हो जाएगा 591 डिग्री सेल्सियस, कितना चाहिए, 591 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें
कह रहा है कि ये जो देखिए बेरिलियम दिया, बेरिलियम आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिथियम के साथ। ठीक है, लिथियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा, लिथियम प्लस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हीलियम दिया हुआ है पावर 4, फिर 2 की बंधन ऊर्जा 28 MeV पाई जाती है, इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा पाई जाती है कितनी, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना, 7 MeV हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा, 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉक्स, नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कह रहा है इसमें कि यह मेरी किताब है, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखें, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, क्या हो जाएगा, निश्चवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 29। कह रहा है इसमें कि पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में इनमें से कौन सा काल है, इनमें से कौन सा काल है, तो देखिए इनमें से जो काल दिया हुआ वह है अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो देखिए यह जयशंकर प्रसाद का जो है प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर 31 नंबर। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन अब क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 100 मिली घोल में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुला है, तो मोलरता इसका क्या होगा, इसका मोलरता क्या होगा, तो इसका मोलरता जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0.5 मोल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि सेल्सियस स्केल पर ताप 25 डिग्री सेल्सियस है, तो फॉरेनहाइट स्केल पर संगत ताप क्या होगा, संगत ताप क्या होगा, तो देखिए इसका जो संगत ताप हो जाएगा वो हो जाएगा 77 डिग्री फॉरेनहाइट, कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फॉरेनहाइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 34 नंबर होगा, 34 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है, लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है, तो इससे इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन से, क्वथनांक उन्नयन से जो है इसका संबंध हो जाएगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है कि एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है, यानी कि कौन सी क्रिया के दौरान निर्मित होती है एथेनॉल, तो देखिए एथेनॉल जो निर्मित होती है वो होती है खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा, खमीरों में अनॉक्सी श्वसन क्रिया के द्वारा जो है एथेनॉल निर्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 36 नंबर, कह रहा है इसमें कि यदि बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुने कर दिए जाए तो ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा क्या, तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा 16 गुना, जब बल तथा लंबाई का मात्रक 4 गुना कर दिया जाए तो यहां पे ऊर्जा का मात्रक कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, यानी कि उसका 4 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 37 नंबर, कह रहा है इसमें कि कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकंड का समय लेती है, तो वस्तु की औसत गति कितनी होगी, वस्तु की औसत गति कितनी होगी, तो इसकी जो औसत गति हो जाएगी वो हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड जो है इसका औसत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, कह रहा है इसमें कि कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है, कौन सी है किसमें, इसमें तो सही हो जाएगा इसका एंथ्रासाइट और लिग्नाइट, क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट हो जाएगा, कोयले की जो उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में होगी, तो उच्चतम जो है वह एंथ्रासाइट हो जाएगी और निम्नतम जो है वह लिग्नाइट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कह रहा है इसमें कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया, तो यह लागू किया गया था 1974 ईस्वी में। ठीक है, 1974 ईस्वी में जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, श्वसन विकार का उदाहरण है, तो सही हो जाएगा इसका
सिली काम्यता, क्या हो जाएगा, सिली काम्यता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है इसमें कि फीमर तथा टीबिया फिबूला के बीच कौन सी संधि होती है, टीबिया फिबूला के बीच कौन सी संधि होती है, तो सही हो जाएगा इसका कब्जा संधि। क्या होती है, कब्जा संधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवरक्त किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि क्या है, अवरक्त किरणों के तरंग दैर्घ्य की कोटि जो है वह क्या है, सही हो जाएगा इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 10,000 एंगस्ट्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 43 नंबर में क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो इसमें जो बिट्स होते हैं वह होते हैं 32 बिट्स, कितना 32 बिट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र यानी कि टेस्ट ट्यूब में बनाया, डीएनए को किसने अंतःपात्र यानी कि टेस्ट ट्यूब में बनाया, तो यह बनाया गया था आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा, आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा जो है डीएनए को टेस्ट ट्यूब में बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर कह रहा है इसमें कि लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं, किस आकृति के होते हैं, तो इसके आकृति होते हैं दोनों पृष्ठ जो है अवतल होते हैं, ठीक है, दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, अवतल होते हैं। अगला देखेंगे 46 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 47 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया हुआ है एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है इसमें, 48 नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें कह रहा है सूची वन एवं सूची टू को सुमेलित कीजिए, क्या कह रहा है, सूची वन एवं सूची टू को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए का थ्री हो जाएगा तिलैया बांध जो है क्या है बराकर नदी पर है, उसके बाद बी का वन यानी कि पंचेत हिल बांध जो है दामोदर नदी पर, और उसके बाद सी का टू हो जाएगा यानी कि राणा प्रताप सागर बांध जो है वह चंबल नदी पर है, और माता टीला बांध जो है वह बेतवा नदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 49 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, 49 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 50 नंबर में यहाँ पे। देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए का क्या हो जाएगा, वन का हो जाएगा थ्री यानी रेलवे उपकरण जो है कहाँ हो जाएगा भिलाई, उसके बाद दो का चार यानी कि मोटर वाहन जो है क्या हो जाएगा जबलपुर में, थ्री का वन हो जाएगा यानी पोत निर्माण कहाँ पे होता है तो कोची में, और साइकिल निर्माण कहाँ पे होता है लुधियाना में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन 51 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें, कह रहा है कि मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया था 8 मई को, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है, किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है, तो वह विधि है भस्म करना, क्या हो जाएगा भस्म करना, इस विधि से क्या होता है वायु में प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, ठीक है यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था, एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था, तो यह जाना जाता था चीन को, देखिए चीन को जो है एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, देखिए कह रहा है में कि पूरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है, किसके सम्मान में की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यहां पे भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है पूरी की रथ यात्रा करी जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 56 नंबर, यहां पे 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहां पे कह रहा है
कह रहा है यहाँ पे, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो है आंसर बताते चले आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 100 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 57 नंबर है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.4/7 दिन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए दिया हुआ है 58 नंबर क्वेश्चन, और देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 58 का डी हो जाएगा, 5 लीटर जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला था, निशाने पाकिस्तान किसे मिला था, तो यह मिला था मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई को जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च जो सिविल पुरस्कार है निशाने पाकिस्तान, यह मोरारजी देसाई को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 60 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, ठीक है। एक तरफ जो है बुकर पुरस्कार की विजेता दिया गया है, और दूसरे तरफ जो है उपन्यास दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इसमें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो सही हो जाएगा इसका जीडीपी एवं मूल्यह्रास, जीडीपी मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित का सही जोड़ा मिला है, निम्नलिखित का सही जोड़ा मिला है, तो देखिए इसका जो आंसर सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, उसके बाद सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और उसके बाद डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे कह रहा है, 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी, तो सही हो जाएगा इसका ग्राम कचहरी, किसकी स्थापना हुई थी, ग्राम कचहरी की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, देखिए 64 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे 64 में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ जो है संगीतकार दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसका वाद्य यंत्र दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 64 का हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, पन्नालाल घोष जो है वह यहाँ पे बांसुरी हो जाएगा, उसके बाद बी का 3 हो जाएगा यानी कि पालधार रघु जो है इसका मृदंग हो जाएगा, उसके बाद सी में 2 हो जाएगा यानी लतीफ खान जो है तबला, और एस बालचंदन जो है वीणा, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 65 नंबर, और देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथा कथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने लिखा था, तो यह लिखा गया था याद रखिएगा आरसी मजूमदार के द्वारा, किनके द्वारा, आरसी मजूमदार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 66 नंबर, कह रहा है इसमें कि किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किसने कहा था, किसने कहा है, तो यह कहा है अरस्तु ने, ठीक है, अरस्तु ने यह कहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, कह रहा है इसमें कि जनवरी 2023 में किन दो देशों के टीमों के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट में 370 रन की जीत का नया रिकॉर्ड बना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए वनडे क्रिकेट मैच में 370 रन की जीत का जो है नया रिकॉर्ड बना है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 68 नंबर, कह रहा है इसमें कि नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 मार्च को, कब मनाया जाता है 14 मार्च को जो है यह मनाया जाता है। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 69 नंबर में, कह रहा है कि मई 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, किस व्यक्ति को, तो यह नियुक्त किया गया है याद रखिएगा नीरा टंडन को, क्या हो जाएगा नीरा टंडन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है राजस्थान में, कहाँ स्थित है राजस्थान में स्थित है घाना नेशनल पार्क।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर, कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 खो के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है, के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पंचायत। क्या हो जाएगा? पंचायत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है कि 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन, यह यहाँ पे जो है कथन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था। तो यह हराया गया था मोहम्मद गौरी को, किसको हराया गया था, मोहम्मद गौरी को जो है यह हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यानी कि इस कैप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा, बैंकॉक में। कहाँ स्थित है? बैंकॉक में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, क्या कह रहा है इसमें कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 76 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो कि ग्राफ में दर्शाए अनुसार परिवर्तित हो रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो संवेग का मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 77 नंबर क्वेश्चन में, एक तरफ जो है स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरे तरफ जो है उसका उदाहरण दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टोटिपोटेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है यह युग्मनज हो जाएगा। बी का 1 यानी कि प्लूरीपोटेंट जो है क्या हो जाएगा, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका। और सी का 4 हो जाजाएगा मल्टीपोटेंट जो है इसका क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। और उसके बाद यूनिपोटेंट जो है इसका क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 78 नंबर, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बताते चले। 78 जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ की 1500 रुपया इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 79 नंबर, और देखिए इसका जो आंसर है वह हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ 80 नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 81 नंबर क्वेश्चन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। यानी कि देखिए कथन जो ए में दिया हुआ है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं, और तर्क जो उसका दिया हुआ है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए 82 नंबर, और इसमें कह रहा है इसमें कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, चिनुक का क्या हो जाएगा, हिम भक्षिणी हो जाएगा। बी का 3 हो जाएगा हरमट्टन का यहाँ पे सहारा मरुस्थल में, और सी का 2 यानी मिस्ट्रल जो है कहाँ पे होता है, फ्रांस। और उसके बाद यहाँ पे बोरा जो है यह कहाँ पे, इटली। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83। कह रहा है इसमें कि 24 से 25 फरवरी 2023 तक वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहां आयोजित की गई। तो यह बैठक आयोजित की गई थी बेंगलुरु में। कहां पे? बेंगलुरु में जो है यह बैठक आयोजित की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर, कह रहा है इसमें कि 20 से 23 मार्च 2023 तक पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई तामुलपुर में। कहाँ पे? तामुलपुर में जो है यह आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर में दिया हुआ है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए लक्ष्य वर्ष क्या है, लक्ष्य वर्ष जो है क्या है। तो लक्ष्य जो इसका रखा गया है 2070 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है,
कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला एक गलत संख्या है और गलत संख्या का पता लगे। देखिए इसमें जो गलत संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40, जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें 87 में कि निम्नलिखित में से कौन सा तिल, चट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। उत्सर्जक अंग है, सही आंसर हो जाएगा इसका मैलपीगी नलिकाएँ। मैलपीगी नलिकाएँ जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जब है वह उच्चतम है, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पीएच बराबर 4। ठीक है, पीएच बराबर 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/90 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो देखेंगे अगला क्वेश्चन 90 नंबर, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वशिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। सर्वशिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है, तो यह हो जाएगा आपका 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए जो है सर्वशिक्षा अभियान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है इसमें 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है इसका शुभारंभ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि दिल्ली। 16 अगस्त 2023 को G20 फिल्म महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था, तो यह नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, किसने कहा था, तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 94 नंबर, कह रहा है कि नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे, दो वास्तुकार कौन थे, तो वह वास्तुकार थे एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 95 में क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था, सही हो जाएगा इसका क्रांतिकारी विचारधारा। किस विचारधारा से प्रेरित था, तो वह क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर में कह रहा है, कह रहा है कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है, तो सही हो जाएगा इसका सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को जो है विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 99 नंबर, और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, किस किस ने हस्ताक्षर किए थे, तो यह हस्ताक्षर किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अब इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें, तो इसको जो व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले जो एक हो जाएगा यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा हो जाएगा, चौथा में असहयोग आंदोलन, उसके बाद थ्री हो जाएगा ध्वज सत्याग्रह, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 2 का जो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2023 के लिए। आज इसका 20वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देखे हैं, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं कि ये सारे 100 क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा इसमें से आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर किसी प्रकार का सजेशन हो तो वो कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।